मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग कुमाऊनी कल्चर में। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है अब असोज का महीना लग चुका है और सब लोग अब खेतों में जाने लग गए हैं घास वास काटने। और गांव की जो दिनचर्या है गांव की महिलाओं की, वो मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि आज मैं मम्मी लोग के साथ हम सब घास काटने जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का घास काटना और महिलाओं का आपस में आना जाना एक दूसरे के साथ घास वास काटने, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे। तो गाइस ये मेरे ब्लॉग का फर्स्ट दिन है तो इसमें मैं आपको सिर्फ अपने घर के बारे में और जो मतलब हमारे घर में जितने जानवर हैं, मम्मी पापा, सबके बारे में दिखाऊंगी। तो दोस्तों कुछ ऐसा है हमारे घर के सामने का व्यू और मौसम आज हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं और घास तो सब लोग काटने ही लग गए, अब भीग भी जाएगा तो, क्योंकि अब टाइम तो हो ही गया है। तो देखिए हमारे सामने का व्यू कुछ है। देखिए ये है हमारा ग्वार, मतलब जहाँ पे गाय वाय बांधते हैं। और ये रही हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, ये देखिए, और ये है हमारी गाय, और यहाँ पे हम इनको बांधते हैं गायों को। और ये देखिए हमारे पास गाइस पूरी 5, मतलब टोटल 5 गाय हैं, जिनसे 2 छोटी छोटी ये बच्चियाँ हैं और एक ये वाली गाय है और 2 वो हैं। और दिन तो ये पापा इनको चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अब पापा ने भी ऑफिस जाना है और मम्मी और हम लोग तो घास काटने जाएंगे, तो इसलिए अब ये घर पे रहेंगी, इनको घर ही पे इनके लिए घास लाएंगे, घर ही पे घास वास खाएंगे। तो गाय तो मैंने आपको अपनी दिखा दी है और मैं अभी आपको अपनी मम्मी से मिलवाऊँगी, जिसके साथ मैं अभी घास काटने जा रही हूँ। और छोटी बहन अभी स्कूल जा रही है, छोटी बहन से भी मिलवाती हूँ आपको, अभी तो छोटी है वो। मम्मी अब चाय डालने लग गई है थर्मस में, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे घास काटने, तो वहाँ बैठ के चाय पियेंगे। गाइस हमको जाने में बहुत लेट हो गया, तो मम्मी मेरे को डांट रही है कि लोग अब घर पर आएंगे तब हम जा रहे हैं, क्योंकि 8:30 तो बज गया है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज लगने लगी है। तो देखते हैं, देखो मम्मी ने चाय वाय तो बना दी है और पानी वानी रखते हैं अब इसके बाद। तो गाइस अब 9 बजने वाला है और छोटी बहन अब स्कूल जा रही है और वो तैयार हो चुकी हो गई है। देखो हेलो बोल रहे, अब वो रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए। तो अब वो मेरे से बाय बोलने के लिए आई थी इधर, तो मैंने बोला थोड़ा सा आ जा, तो बाय जल्दी आना। तो अभी जा रहे हैं खेत के, और देखिए पापा जा रहे हैं आगे ऑफिस को, स्कूटी लेके जाएंगे अभी पापा ऑफिस को, खुश हो रखे एकदम, पता नहीं क्यों हो रखे। और हमसे बोल रहे तुम भी इस लाइक बनते तो ऑफिस जाते, बोल रहे हो खेत में सर तपा रहे हो। पापा बाय, यहाँ देख के बोलो बाय बाय, जल्दी आना जल्दी आना। तो अब पापा चले गए हैं और हम लोग तो निकल गए हैं, और उधर है हमारा घर वो नीचे पेड़ों के पीछे, मम्मी आ गई वहाँ से लटक। भौजी मिल गए यहाँ पे, भौजी भी घास काटने जा रही है। भौजी बोल रही साथ चलेंगे बैठ को, भौजी बोल रही अच्छे से खींचो। गाइस यहाँ पे गुड्डी चाची घास काट रही है, गुड्डी चाची यहाँ पे खुश हो रखी है असोज में। और देखो मम्मी लोग वार्तालाप कर रहे हैं, कितना काट दिया क्या हो गया, ये देखो गुड्डी आज सोच के महीने में खुश हो रखी है। गाइस ये है रास्ता और हमको जाना है, पहले उधर जाना है रोड में और फिर उससे इधर। गाइस ये भौजी बोल रही है तू अल्मोड़ा की रही से, बोल कहाँ से लग रही है उनको पता नहीं, मैं घास काटने आ गई हूँ। भौजी बताओ तो, बताओ तो, हाँ नीट कहीं नहीं डाल रही, बताओ तो सही कब लग रही तुमको रही थी, क्या कह रहा हूँ कॉलेज आने भी हमेशा भी आयो, तो कॉलेज कर भी क्या काम तो करना पड़ू ने मम्मी घास काटने। और देख ले तेरा कुत्ता आगे आगे लगा रास्ता है, तो देख लिए तो बुलाने बुला ले कमेंट करे। ये देखो भौजी की, भौजी को अपनी लड़कियों की याद आई ना, उनकी शादी होगी तो मेरी दोस्त है बिमला, अब घास को पहले बिमला भी होती तो हम 4 लोग जाते, बिमला मैं मम्मी की भौजी, पर अब बिमला है नहीं। भौजी क्या चल रहा है टुका टू, इनको देखो तो ये पता नहीं ऐसा चल रहा है, इन्हें लग रहा है कि कहीं लाइव चल रहा है इसलिए ऐसे देख रहे हैं। ये देखो इतना फांस, और देखो इसमें है पानी वानी लेके जा रही हूँ, पानी है चाय है वो, पानी और चाय है इसमें, नहीं हुए अलबे ककड़ी नहीं हुए, तो ककड़ी नहीं है ककड़ी नहीं हो रही है, हाँ ककड़ी नहीं हो रही है अब की बार। भौजी ऐसा बोल रही, तो गाइस ये हमारा खेत है, थोड़ा सा काटा था कल शाम। भौजी बाय बाय बोल दो, भौजी बाय जल्दी आना साथ जाएंगे। अब फेसबुक में नहीं डाल रही यार मैं, भौजी अब चलेगी, भौजी चलेगी। ये देखो ऊपर से चाची आवाज लगा रही मेरे को, सेल्फी लेने आई है घास काटने वाली, आओ चाची। ओए तो गाइस देखो ये घास थोड़ा बहुत कल काटा था, थोड़ा ही काटा, ज्यादा नहीं काटा क्योंकि कल और काम भी हो रहे थे। होय होय तुम ला जाया,
तो अब देखते हैं आगे घास काटने का क्या होता है। धूप तो बहुत तेज लग गई है मम्मी, अब दराती पर आएगी, आपको दिखाते हैं कि गांव में दराती कैसे, मतलब दराती में धार लगा लीजिए, लगाएगी मम्मी जिससे दराती चलेगी। अभी देखना, पहले मम्मी थोड़ा सस्ताएगी, पानी वानी पिएगी, रेस्ट करेगी, उसके बाद करेगी। दराती काली हुई है पर ये चलनी थी काली हुई। देखो मम्मी को काली भी कटा, फट घास काटेंगे हम लोग। आज हम थोड़ा और आगे पहुँच जाएंगे क्योंकि कल तो हमें इतना इतना से काटा था, और घर को भी ले जाना होता ना, चार पाँच गाड़ी है तो बहुत घास लगा। मम्मी यहाँ से काट लिया और धूप इतनी खतरनाक लग रही है ना, दर्द दर्द होने लग गया अभी से। मम्मी हो गया, अब हो गया, अब घास काटना शुरू करेगी मम्मी। अब गाइस मम्मी ने हाथ लगाई दिया है फिर घास पे, तो अब जल्दी से कट जाएगा शायद, क्योंकि मम्मी छोटी छोटी है तो हाथ भी छोटा छोटा लग गया। तो खेत हमारा बहुत आगे तक है, जो पेड़ दिख रहे ना उनसे भी आगे, मतलब यहाँ से दिख भी नहीं रहा उतने आगे तक है खेत हमारा, पता नहीं कब तक कटेगा। और फिर तो चट्टानों टाइप में होती है घास, मतलब घेर वेर में। अभी मम्मी काट रही घास, ये देखो भाई। मैं भी घास काटती हूँ क्योंकि मेरी दराती भी मम्मी ने मुझे दे दी है, और इसलिए अब मैं घास काटना शुरू करती हूँ, और फिर आपको मिलूंगी मैं जब हम अब पानी पियेंगे, रेस्ट करेंगे, तब मिलूंगी। ठीक है, देखो आगे से बीना चाची जा रही है, गुड्डी चाची बाय, जल्दी आना घर साथ चलेंगे। देखो सब घास आस, रितु चाची हाय क्यों नहीं बोल रहे हो, घास आस काटे चले गए। देखो ये रितु चाची, चलो बाय जल्दी आना। हाँ फिर देखो गाइस, जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो गाइस इतना काट लिया है, और मम्मी काट रही, और मेरे को बोल रहे सब लोग, अब पता चल रहा है तू आ गई क्योंकि घास कटने लग गया है अब धीरे धीरे। तो अभी काटते हैं हम, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर। घास काटते काटते बहुत ही धूप लग गई, देखो मुँह भी इतना लाल हो गया, ये देखो और धूप लग गई। अभी तो हम छांव में बैठे हैं क्योंकि मम्मी अभी दराती को दोबारा से कर दी है, पहना दिया मतलब, अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। देखो इतना बड़ा खेत है, जितनी बड़ी घास हो रही है। थोड़ा रेस्ट करते हैं, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद फिर से लग जाते हैं काम पे। तो दोस्तों देखो मम्मी ने चाय डाल दी ग्लास में, और मम्मी बोल रही मैं थोड़ा सा काटती हूँ, तब तक तू चाय ठंडी हो जाएगी। देखो मम्मी के को चाय हाथ में ले ली है, अब पीते हैं इसको, वैसे तो गर्म हो रही है अभी, अब फू फू करके पियेंगे। हाँ मम्मी चाय तो मस्त बना रही, मम्मी अच्छी हो रही है चाय, मम्मी खुश हो जाती है ना उसकी तारीफ करे तो, होता ही है यहाँ घर में। आगे से काम करेगी ना, फिर घर जाके भी बनाएगी ना मम्मी चाय अच्छी बनी। मम्मी तो मम्मी बताएगी कि मम्मी के यहाँ घास वास काटने जाते थे, मम्मी बता तो जा रहे थे तुम्हारे वहाँ सब लोग, जा रहे थे दोस्त लोग हैं, सब दोस्त लोग जाते थे रविवार के दिन, और जाते थे कौन से खर्चा और दिन अच्छा जाते थे शाम को बुलाते स्कूल, स्कूल जाने के बाद स्कूल को अभी अच्छा, स्कूल तो बहुत दूर थी ना तुम्हारा, हाँ जी बागेश्वर रवाई खाल मम्मी का पता है स्कूल था, और वहाँ से आगे मम्मी घास काटने जाती थी मम्मी, और दूर से बहुत दूर थी ना, पता है घास काटने के लिए लड़ाई होती थी मम्मी और मौसी, मम्मी उसी ने किले मुझे लड़ाई अच्छा अच्छा कढ़ाई में खाने के लिए, क्यों तू नहीं एक दिन मौसी नहीं बनाई मीजा मीजा कुछ काटो, और छोटी वाली मौसी वो घर काम को करती है, मेरी मम्मी और मौसी जुड़वा है ना, गीता और गंगा है इनका नाम, तो दोनों जुड़वा हैं, तो इनकी घास काटने के लिए खाने के लिए लड़ाई होती थी। और मम्मी आजकल के बच्चे भी काटते हैं घास, कोई कोई काटते हैं, जो नहीं काटते उनके लिए कुछ कहना चाहोगे क्या होता है घास काट के, पढ़ाई करो सर्विस करो। देखो मैं ऐसे नानती ननू कड़ा है पढ़ाई करो, मीहू कड़ा है घा काटे, ऐसी मम्मी है देखो, पढ़ाई करो सर्विस करो, कह रही मेरे से कह रही घा काटने करा। देखो तो यार मम्मी को, वैसे इस बार मम्मी ने नहीं बुलाया, मैं खुद ही आई, मम्मी बोल रही थी कि पेपर है पढ़ाई कर, लेकिन मैंने कहा घर चली जाती है मम्मी। और सुना पे ये कुछ तो सुना, अब मम्मी कह रही कहीं नहीं सुनूँ चुप रहो, मम्मी का टेंशन लगे अब कसी हूँ घा कसी गड़ पार वहाँ चलूँ वाल गाँव में खाने गाँव में वहाँ, और एक सबसे पास वाला खेत यही है हमारा, पहले मम्मी हम पहले वहीं रहते थे ना, पहले हमारा घर वहाँ था, उसके बाद टूट गया था, हम इस वाली साइड आ गए ना, इसलिए सब खेत हमारे उतनी दूर है। देखो वहाँ जब मंदिर दिख रहा ना उसके इधर 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 को है हमारे सारे खेत, बहुत दूर जाना पड़ता है, यही है सबसे पास वाला खेत, और ये भी नहीं करता हमसे इतने दूर, कहाँ पहुँचेंगे हम।
देखो आज बारिश आ जाएगी तो सबका घास भीग जाएगा, बहुत लोग काट रहे घास वहाँ। ये देखो ऐसा घास हो रहा है ना, ये डर लग रही है, ये सांप वहाँ की। देखो ये मम्मी का तो हाथ भी कट गया ना मम्मी, कैसे काटे ना दो हाथ दो हाथ हाथ कट गया मम्मी ने, दो उंगली काट दी अपनी। मम्मी कह रही छोटा घास हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है घास। और देखो हमारा मुंह कितना लाल हो गया घास काट काट के। मम्मी आपको देखो मम्मी का मुंह भी लाल हो रखा है, हम दुबले हो गए ये पहले दिन घाट हुआ जाए। मतलब मम्मी परेशान नहीं है, मैं ऐसे ही काटन ना जिस भी बाई बाई लूट काटनी मैं उनको तो आवा तुमने। हाँ तू इधर इतने दूध के गिलास लगे इसको दो गाय पाली है मम्मी ने, पता है कितना काम करती है मम्मी हमारी, फिर भी कोई शिकन नहीं है इसके मुँह पर। देखो आप देखो कोई शिकन दिख रही है इसके, कुछ नहीं दिख रहा है। कैसे करता है यार, पेपर भी है पता नहीं क्या होता है। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अब घर पहुंच गए हम, अब मम्मी खाना वाना बनाएगी और तब तक मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद फिर ये जो घास डाल रही थी मम्मी ने सुबह, इसको सब बांधेंगे मम्मी और मैं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर चले जाएंगे। तो बहुत थकान हो गया आज तो, ठीक है शाम को गए थे ना आज, अभी सुबह आज ही जानी हूँ। तो दोस्तों भाई भी आ गया स्कूल से, भाई तरह भाई मेरे साथ आ भी नहीं रहा है, हेलो बोल दे। हेलो। और बहन मन्नू, बहन भी स्कूल से आ गई है, और स्कूल से आने के बाद इन लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। तो अभी मैं तो जा रही हूँ खेत में, चलेगा क्या भाई? भाई नहीं आएगा तो घास लेके आनी थी, क्योंकि देखो भाई मौसम कितना खतरनाक बन चुका है। देखो और घास तो पूरी भीगी जाएगी, मम्मी तो चली गई है तब तक वो बांध रही होगी, तो मैं अब उसको लेके आऊँगी घास को। और फिर मिलते हैं आपको वहाँ से आने के बाद, क्योंकि अभी तो मैं घास लेके आऊँगी तो मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाऊँगी। मैं आपको फिर मिलूँगी। मैं घास लेने गई थी, उसका बारिश लग गई तो मैं पूरा भीग गई थी, फिर मैंने फिर से चेंज किया। और अभी बज गया है, अभी 6 बज गया है। तो अभी भाई लोग जा रहे हैं चौपाटा घूमने, क्योंकि ये लोग रनिंग भी करते हैं और रोज़ घूमने आते हैं दोनों भाई मेरे। देखो यहाँ देखो, हेलो बोलो, ये देखो दोनों जा रहे हैं। और अभी तो ये लोग जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं इनके आने के बाद, बने रहिए हमारे साथ। गाइस अब बज चुके हैं 7:30 और मम्मी लोग भी अब घास काट के आ गए हैं, और पापा भी गाय चलाने के लिए तो आ गए हैं, भाई भी आ गया है और छोटी भी घर पे है। तो अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, हम लोग खाना वाना बनाते हैं। तो आप बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ।